नमस्कार दोस्तों, एपीजे इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास एक टीवी है, ज़रा मैं देखूँ किस कंपनी की, फिर आपको बताता हूँ। तो ये रही क्राउन कंपनी की टीवी, और दोस्तों इसमें कहना ये है कि लाइट नहीं आ रही। दोस्तों इसमें बेस लगाया गया है लेकिन इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो आइए, हम थोड़ा सा इसकी सर्किट वगैरह को निकाला गया है तो मैं इसको लगा के आइए चेक करता हूँ, किसी ने चेक किया है इसको। ठीक है, इसमें नया बेस भी लगाया गया है लेकिन लाइट नहीं आ रही है, देख सकते हैं ये नया बेस है। तो इसको मैं लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्यों लाइट आखिर इसमें नहीं आ रही है। थोड़ा सा मैं आपके कैमरे को नीचे कर लेता हूँ और आपको वहाँ से थोड़ा सा क्लियर दिखाने का प्रयास करता हूँ, और एक लाइट मैं जला लूँ जिसकी वजह से रोशनी थोड़ी हो जाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरह से हमारी सर्किट है। तो देख लीजिए, ये रही हमारी सर्किट। तो क्राउन कंपनी की ये ओरिजिनल सर्किट है दोस्तों, बेस इसमें नया लगाया गया है। और आइए पावर लगाते हैं और देखते हैं क्यों आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी लाइट नहीं आ रही है। तो चलिए, बारिश होने वाली है अपना, लेकिन काम हम तो करेंगे ही। तो लगाते हैं पावर में, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है इसका। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हमारी नई वीडियो पाने के लिए। तो देखते हैं फिलामेंट जलता है या नहीं। तो ऐसे तो दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका कि टीवी ऑन है या नहीं। टीवी ऑन है या नहीं को दोस्तों चेक करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका आप जान लीजिए, आपका ये डिजिटल मल्टीमीटर है, तो मैं उसी से आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये डिजिटल मीटर को 200 वोल्ट की रेंज पे करिए। ठीक है, ये रहा रेंज हमारा 200, लोकल मल्टीमीटर है तो फिलहाल ठीक है, चलता है काम अभी। अब इसमें क्या करना है, आपको 180 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। अगर 180 वोल्ट की सप्लाई बनेगी तो टीवी ऑन है। तो कितना है, 168 वोल्ट की सप्लाई। और आप इनपुट चेक कर लीजिए, इस पर आप इनपुट करें, मतलब 110 की सप्लाई चेक करिए कितना है, ये 24 वोल्ट की है। इसके बाद ये 110 वोल्ट की सप्लाई, मतलब सप्लाई हमारी बूस्ट हो रही है, तो इसका मतलब सप्लाई हमारी बन रही है। अब हमको क्या चेक करना है, इसमें एसी 4 वोल्ट की सप्लाई, 0.4 दिखा रहा है, ज़रा देखिएगा आप सब। एसी 4 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हीटर वाला वोल्टेज हमारा बन रहा है या नहीं। तो ये 0.4 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारी ये बन रही है, रेजिस्टेंस के दोनों आर पार दोनों तरफ बन रही है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं सर्किट में, ज़रा मैं आपको कैमरा उठा दूँ क्योंकि आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप जान लीजिए कहाँ पर चेक करना है ये 4 वोल्ट वाली सप्लाई। तो सर्किट में वैसे लिखा तो रहता है बट फिर भी देखते हैं, आपको बता देते हैं। तो भाई कैमरा ठीक है, ये रहा 180 और इसके बाद ये होगा 4 वोल्ट या फिर ग्राउंड। तो ये हमारा 4 वोल्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है फिलामेंट। दोस्तों जल रहा है बट लाइट क्यों नहीं आ रही है, एक बार हम डिस्प्ले देखते हैं आखिर। हो सकता है काफ़ी दिनों से टीवी बंद रही हो, इसलिए इसमें कभी कभी दोस्तों होता है ना, आप टीवी को कई महीनों से अगर बंद कर देंगे तो ये थोड़ा सा इसका लाइट डाउन हो जाता है। चलिए, बिजली गिर रही है दोस्तों, ऐसा लग रहा है बहुत तगड़ा। तो ये देख सकते हैं लाइट आ रही है यहाँ पे, और रीटेस्ट भी थोड़ा बहुत है। नहीं दोस्तों, लाइट तो आ रही है, इसका मतलब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या थी, बस इतनी ही थी प्रॉब्लम कि जो है कि टीवी हमारा काफ़ी दिनों से बंद था, इसको लगा के वेट नहीं किया गया बेस को लगाने के बाद। कभी कभी होता है दोस्तों, बस यही सप्लाई आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, और हम आगे की समस्याओं को चेक करते हैं, हमारा वीडियो बनता है या नहीं, कुछ लिखा हुआ आता है या नहीं। तो देखते हैं, तो लाइट दोस्तों ये तुरंत आ चुकी है,
कोई दिक्कत नहीं है, बस काफ़ी दिनों को मतलब रखने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा दिन से रखने की वजह से इसमें लाइट नहीं आ रही थी। बस यही समस्या थी दोस्तों, और कुछ इसमें समस्या नहीं थी। तो बेस लगाने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए करिए, और सप्लाई को चेक किया करिए। 4 वोल्ट की सप्लाई ज़रूरी है आपकी फिलामेंट के लिए, वो आनी चाहिए चाहे जैसे भी। एसी 4 वोल्ट है दोस्तों, ये डीसी नहीं होता, एसी होता है। तो डीसी में आप मत चेक करिएगा, नहीं तो आनी आ रही होगी भी तो नहीं पता चलेगा आपको। तो अब मैं इसमें अपना वीडियो इन करके चेक करने वाला हूँ कि आखिर ये चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो वीडियो मैं इन करता हूँ ज़रा, इसमें D2H ऑन हो गया और वीडियो का लीड इसमें दोस्तों आगे की साइड है ये, तो यहीं आगे से ही लगा लेते हैं इसके वीडियो, यहीं पे दिया हुआ नीचे साइड दोस्तों। यहाँ पर पीला वीडियो है हमारा ये। तो मैं आप सबको क्या कह रही थी, हाँ देखो, अगर हम रोहन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो फिर तुम्हारे पति पे क्यों नहीं, है ना? दोस्तों देख सकते हैं लाइट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन, ये एक समस्या है इसमें। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अब इसमें हम अपनी सप्लाई चेक करते हैं, और इसमें सप्लाई चेक करेंगे और थोड़ा सा बेस को अच्छी तरह से चेक करेंगे क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो वीडियो लगा के चेक करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये फॉल्ट कुछ अलग ही है। तो देखते हैं कहाँ से है ये समस्या, वीडियो को इन कर लेंगे हम। हो सकता है कोई जीनर वगैरह शॉर्ट हुआ है, क्योंकि जीनर शॉर्ट होने से भी दोस्तों इस तरह की समस्या हमारी लो ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लो कंट्रास्ट। तो देखते हैं क्या आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखा दूं, कुछ मुझे दिख रहा है तो आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए आप जो मुझे दिखा है। यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस आप देखिए, एक मिनट मैं कुछ ले लेता हूँ औजार कोई, ये देख सकते हैं ये वाला बहुत ज़्यादा जो है कि रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल कार्बन जैसा आ चुका है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, जंग लग चुकी है इसमें। तो हम क्या करने वाले हैं, इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, क्योंकि ये ESD के सेक्शन में भी है और ABL पॉइंट पे भी होगा, तो इसको चेंज करना ज़रूरी है। तो इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ कितने नंबर का है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा लगा कहाँ पर है, ABL वाले पॉइंट पे दोस्तों लगा है, ये ABL का ही पॉइंट है। चलिए इसको पहले बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये निकल चुका है बाहर, और इसका नंबर देखते हैं दोस्तों ये कितने नंबर का है। तो हम अपना रेजिस्टेंस लगा के चेक, मल्टीमीटर चेक करते हैं ज़रा एक बार कितने किलो ओम का ये दिखा रहा है रीडिंग हमको। 20K पे रख के चेक करते हैं कितने के का है यार ये। तो ये रीडिंग तो बहुत कम ओम में है क्या शायद दोस्तों, ये ओम में चेक करते हैं। तो ये दोस्तों ये रहा हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है दिखा रहा है, तो और ये सही भी है, अगर आप कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे तो ये बीप भी जाएगा, ये सही भी है देख सकते हैं 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम से भी कम है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी सेक्शन में देखेंगे कोई और रेजिस्टेंस। तो फॉल्ट इधर से ही लगता है दोस्तों, ठीक है चेक करते हैं, चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। सोल्ड कर लेते हैं इसको,
तो फिर दोस्तों मुझे यहाँ पर एक फिल्टर दिखा है, ये देख सकते हैं, इसका नंबर है 1 MW 50 V। ये एक फ़िल्टर मुझे दिखा है और मैं इसको लगा के देखने वाला हूँ क्या इसको लगाने के बाद हमारी पिक्चर सही होती है या नहीं। तो शॉपर कस्टमर है इसलिए उस समय की ऑडियो म्यूट है, बट आगे आपको ऑडियो मिल जाएगी वीडियो के साथ वाली, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस फिल्टर को लगाने। दोस्तों ये एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा था, यहाँ पे हम एक PF लगा रहे हैं, तो सेम नंबर है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक बात मुझे नज़र आ रही है क्या, कि इसके प्रिंट कुछ जो पॉइंट हैं, जो लाइनें ट्रैक जो गई हुई है, थोड़ा सा जो ट्रैक लग रहा है कि हो सकता है कहीं से ब्रेक ना हो, इसलिए मैं इसके ट्रैक को चेक कर रहा हूँ कि आखिर ट्रैक सही है कि नहीं। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ इसलिए मैं ट्रैक, ये पहली सही रही, अच्छा दूसरी चेक कर लेती हूँ, दूसरी ट्रैक भी सही है। और यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस है, चलिए ये जम्पर का यूज़ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर तो और सब ठीक नज़र आया दोस्तों। तो अब लगाते हैं हम लाइट में और देखते हैं क्या इससे फ़िल्टर की जगह PF लगाने से कुछ रिस्पांस मिला कि नहीं। लाइट बहुत डाउन है, तो और भी सप्लाई को भी चेक करना बाकी है दोस्तों, बहुत सारी सप्लाइयाँ हैं इसमें। एक मिनट में शीशे को पहले देख लूँ क्या रिस्पांस है। तो दोस्तों ये हमारी समस्या सही हो चुकी है, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, बस इसी से थी ये हमारी समस्या, ये आप खुद देख लीजिए, लाइट हमारी आ चुकी है बिल्कुल सही। उस फिल्टर की जगह बस हमने ये PF लगाया, और यहाँ पे ये PF लगता है दोस्तों दूसरी सर्किट में, आप देखिएगा तो ये देख सकते हैं लाइट तो आ चुकी है, बस थोड़ा सा ब्राइटनेस अधिक है, तो ये देख सकते हैं पिक्चर क्लियर आ चुका है हमारा। ठीक दोस्तों, ये समस्या किससे थी, इस फिल्टर से, ये नंबर देखिए, एक मिनट इस वीडियो को बंद करूँ तो आपको सही दिखेगा, एक मिनट यार भाई कैप्चर करो यार कैमरा, तो ये नंबर है इसका देखिए 1 MW 50 V, और ये प्लस माइनस का फिल्टर नहीं है, इसलिए मैंने 104 J का PF लगाया तो ये काम कर गया। तो यहाँ पे मैं अब लगा लूँगा ये 1 50, लेकिन इससे भी चलेगा, सेम नंबर ये, तो लगभग अधिकतर सर्किटों में दोस्तों यहाँ पर ये यही लग के आता है। तो अगर मुझे ये सेम नंबर मिलता है तो मैं सेम नंबर का यूज़ करके अपनी इस समस्या को सही कर लूँगा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से इस समस्या को हमने सही किया, काफ़ी बढ़िया समस्या। ठीक है दोस्तों, ABL के सेक्शन में ये प्रॉब्लम तुरंत पकड़ में आई और तुरंत ये सही हुआ। और दोस्तों आपका भी कोई अगर सवाल है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे, या आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ मतलब सब कुछ का जानकार नहीं होता दोस्तों, ठीक है, कुछ ना कुछ बचा ही रहता है हमेशा। तो ठीक है दोस्तों, जो कुछ हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो कुछ जानना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ अपने किसी नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ दोस्तों। तो ये फ़िल्टर मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने खोजने का प्रयास किया कुछ सर्किटों में बट ये नहीं मिला। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नए वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।